13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड फॉर अ कॉनिकल टेंट हुज हाइट इज 3.5 एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 12 मीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने कर लिया होगा, फिर भी आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक इस तरीके का बच्चों कोन शेप का टेंट है हमारे पास, ठीक है, और इस कोन शेप के टेंट को हमें एक कैनवास की हेल्प से बनाना है। तो सोचो बच्चों, कैनवास आप टेंट में कहाँ लगाओगे? ओनली ये देखिए, इस तरीके से कुछ आपका कोन होगा। ओके, लेट अस से, ये मेरे पास एक पेपर है रैंडमली पड़ा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कॉनिकल टेंट इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक। तो कैनवास कहाँ लगाओगे? उसके कर्व सरफेस एरिया पे, करेक्ट। तो यहाँ पर बेस पे कोई भी कैनवास हमें नहीं लगाना है, यानी कि कहीं टोटल सर्फेस एरिया मत निकालने लगेगा आप। तो ओनली यहाँ पर क्या निकलेगा? कर्व सर्फेस एरिया हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सर्फेस एरिया? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, करेक्ट। जहां पर आर क्या है? रेडियस है। एल क्या है? स्लैंट हाइट है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये सर्कुलर बेस है, ये रेडियस है, ओके बच्चों, और ये हाइट है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखिए आपको बोल रहा है उस हाइट इज 3.5, सो एच का वैल्यू 3.5 है, ठीक। एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 12 मीटर, सो रेडियस ऑफ द बेस इज व्हाट? 12 मीटर। तो हमें L की जरूरत है, L मतलब स्लैंट हाइट, सभी बच्चों को पता है। सो L मीन्स स्लैंट हाइट, और ये एंगल 90 है। सो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल आप देख सकते हो, ट्राइंगल ए ओ बी में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग L कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए एल कैलकुलेट करते हैं। सो एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ निकालते हैं यहाँ से एल का वैल्यू। सो एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ना, स्क्वायर रूट लग जाएगा, सभी बच्चों को बताओगे। एच का वैल्यू कितना है? 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर और प्लस आर कितना है? 12, सो यहाँ से हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ से एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर, देखिए 3.5 का स्क्वायर क्या होता है? 3.5 इंटू 3.5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 3.5 इंटू 3.5 करते हैं सॉल्व। 5 5 20 5, 2 5 3 15 15 plus 2 17, और 3 5 जा कितना होता है? 15, 1 3 9 plus 1 10, ओके 5 7 plus 5 12, कैरी जाएगा 1 2, और यहाँ पर ये कितना आ गया? 1 2 2 5। ओके स्टूडेंट्स, सो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 2 2 5, और क्योंकि ये 3.5 था तो पीछे से 2 प्लेसेस छोड़कर डेसिमल यहाँ पे हम लगा देंगे। ओके, सो 12.25 और प्लस 12 का स्क्वायर सभी बच्चों को याद होगा 144 होता है, 12 स्क्वायर मीन्स 12 into 12। नाउ इन दोनों नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं, सो वी विल गेट एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखिए 144 प्लस 12 पॉइंट, ये देखिए 144 को 144.00 लिखेंगे और प्लस कितना है? 12.25, सो 12.25 इसमें हम ऐड करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 5 plus 0 5, और 0 plus 2 2, डेसिमल 4 plus 2 6, 4 plus 1 5 156.25, सो एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करोगे ध्यान से चेक करिए। L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये 156.25 है, यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। ओके करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहां से पॉइंट हमने हटाया तो नीचे 100 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ध्यान दें प्लीज, अब हमने पढ़ा है क्या कि अगर ये स्क्वायर रूट ऐसे लगाओ न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब समझो, देखो कहीं ऐसा लिखा है रूट ओवर ए बाय बी, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, यानी कि स्क्वायर रूट 15625 को मिलेगा और 100 को मिलेगा। सो यहां से हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 15625 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 100 तो सबको पता है कितना होता है? 10 होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 15625 और नीचे 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 10 हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 15625 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके चलिए, तो इसका स्क्वायर रूट बच्चों हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, करेक्ट 15625 का। ओके चलिए, तो यहाँ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। नाउ 15625, ओके ये देखिए राइट से लेफ्ट 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे, यहाँ 1 बचेगा। ओके और 1 1 जा यहाँ आएगा 1 1 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 plus 1 2 आ जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे 56। ओके नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 2, फिर यहाँ पे 2 2 into 22 कितना आ जाएगा? 44। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो कमेंट करके आप बताओ, ठीक है, मैं एक इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा।
आई थिंक आप 9th क्लास में हो तो आता होगा आपको, 6 - 4 = 2, 5 - 4 = 1, ओके। यूनिट बेस में यहाँ 2 है, 2 ऐड करेंगे सो 22 + 2, यहाँ कितना आ जाएगा 24, ओके। सो यहाँ कितना आ जाएगा इस बार 24। नेक्स्ट पेयर यहाँ से कॉपी करेंगे 25, आई थिंक यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ 5, नाउ 5 × 245, 1225, अब रिमाइंडर 0 बच गया, यानी कि 15625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 125, ओके। सो स्क्वायर रूट ऑफ 15625 125 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 10, ओके। नाउ 125 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है 12.5 मीटर्स, ओके। तो इस तरीके से स्लैंट हाइट आ गया हमारा कितना 12.5 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे इनटू रेडियस कितना है, रेडियस है हम लोग का कितना 12, ओके स्टूडेंट्स। रेडियस है 12 इनटू एल, एल मीन्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितना हमारा 12.5, करेक्ट। सो 12.5 इस तरीके से। नाउ इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। क्या 12.5 7 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करते हैं स्टूडेंट्स, आई थिंक नहीं होगा, ओके। सो यहाँ पर हमें 22 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 12.5 से जो भी आंसर आएगा उसको 7 से हम डिवाइड लगा के देखते हैं। चलिए सबसे पहले 12 × 22, सो 12 × 22 करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, है ना। सो 2 × 4 = 2, 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 4, 4 + 2 = 6, 2, 264 आ गया यहाँ पर, ओके। 2 × 4 = 2, 1 × 2 = 2, ये 264 हो गया, करेक्ट। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 22 × 12 कितना मिल गया हमें 264 × 12.5 और अपॉन में 7, ओके स्टूडेंट्स। नाउ चेक करिए 12.5 × 264, सो यहाँ कहीं कर लेते हैं, देखो 264 तो लिखा ही है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे 12.5 से, ओके। सो 12.5 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 4 = 20, 2 × 5 = 30 + 2 = 32, 3 × 5 = 10 + 3 = 13 × 2 × 4 = 8, ओके। 2 × 6 = 12 बन जाएगा, 2 × 4 + 1 = 5, क्रॉस 1 × 4 = 4, 1 × 6 = 6 और 1 × 2 = 2, नाउ 0, 8 + 2 = 10 कैरी जाएगा 1, 3 + 1 = 4 + 2 = 6 + 4 = 10, 1, 1 + 1 = 2 + 5 = 7, 7 + 6 = 13, 1, 3, ओके। सो 3, 3 कितना आ गया 3300 आ गया, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये 12.5 था, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, ओके। सो कितना आ जाएगा 3300.0/7, यहाँ से आ गया 3300, डेसिमल के बाद जीरो का और डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, सो 3300 / 7, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। नाउ अब 3300 / 7 इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट। सो आइए यहाँ पे डिवाइड लगाते हैं हम लोग, जो पुराने बच्चे हैं वो देख रहे होंगे थोड़ा सा लाइट सेटिंग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है हमने, ओके। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मुझे भी फील हो रहा है और रात का भी टाइम है, 12 बज चुके हैं, ठीक है चलो। नाउ कितना आ रहा है देखिए 3300 और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 4 = कितना होता है 28, 13 - 8 कितना हो जाएगा 13 - 8 यहाँ पर हो जाएगा 5, ओके स्टूडेंट्स। नाउ 2 - 2 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 0 कॉपी करेंगे, नाउ 7 × 7 = कितना हो जाएगा 49, 50 - 49 = 1 और यहाँ से 0 कॉपी करेंगे, सो 7 बन जा कितना होता है 7, 10 - 7 = 3 और डेसिमल की हेल्प से 0, तो 7 × 4 = कितना होता है 28, 30 - 28 कितना होता है 2, डेसिमल की हेल्प से 0 और 7 × 2 = कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 6, ओके डेसिमल की हेल्प से 0 और ये जाएगा आप कितने टाइम्स 8 times, ओके। सो आप देखोगे यहाँ पे 0.42 था, फिर 7 × 8 का कितना हो जाएगा 56, बस इतना काफ़ी है, डेसिमल के 3 places तक बच्चों ने निकाल लिया, ओके। तो आप चाहो तो 2 places तक ही आंसर दे दो, लेकिन मैंने क्या कर दिया 471.428। अब इसको डेसिमल के 2 place तक अगर राउंड ऑफ करोगे, सो स्टूडेंट ध्यान दें लास्ट में क्या 8 जो कि 5 से बड़ा है, तो आगे हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 471.4 और 3 मीटर स्क्वायर। अगर आप एग्जाम्पलर में देखोगे तो उन्होंने 471.42 2 place तक भी निकाला है उन्होंने, ठीक है, 3rd place निकाला ही नहीं तो राउंड ऑफ भी नहीं किया, ओके। तो ये भी आंसर सही है अप्रॉक्स में और ये भी आंसर सही है, तो आप यहाँ ब्रैकेट में 471.43 अप्रॉक्स में ऐसे करके लिख सकते हो आंसर,
ओके, तो इतना मीटर स्क्वायर, इतना कितना 471.43 मीटर स्क्वायर कैनवास का जरूरत हमें पड़ेगा ओके, इस कॉनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।